हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 का आर्ट्स एंड रिवॉल्सी और चैप्टर 10 परसेंटेज। परसेंटेज पढ़ने से पहले अब हम लोग ये जान लें कि परसेंटेज होता है क्या। हम लोग परसेंटेज अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे हम लोगों को शॉपिंग मॉल से भी आता है मैसेज कि इस पे 10% का डिस्काउंट है, इस पे 5% का डिस्काउंट है। तो ये डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, क्या होता है ये डिस्काउंट, पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए, तभी तो हम लोग जानेंगे। बोल दिया जाए कि 5% का हो रहा है, 10% का हो रहा है या 25% का। अगर हम लोग होटल में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो हम लोग को 25% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो 25% का डिस्काउंट उसको बोला जाता है। जैसे कि आप किसी भी सामान को 100 रुपये का सामान को आपने परचेज किया, ठीक है, 100 रुपये का सामान परचेज किया, उसमें से आपको क्या किया जाता है, 25 माइनस कर दिया जाता है। इसी को कहते हैं कि 25% डिस्काउंट होता है। मतलब कि अगर आपका 100 रुपये का सामान है तो आपको कितने में मिलेगा, 75 रुपये का मिलेगा। मतलब कि ये 25% डिस्काउंट हुआ। अगर आपको कोई कह रहा है कि किसी क्लॉथ पे, किसी कपड़े पे कितना परसेंट का डिस्काउंट है, तो 5% का डिस्काउंट है। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी कपड़े को, अगर किसी क्लॉथ का दाम 100 रुपया है, तो उसका 5% डिस्काउंट, मतलब कि वो कपड़ा आपको कितना में देगा, गुड 95 में देगा। तो ये इसका परसेंटेज ये होता है। तो हम लोग को परसेंटेज निकालने आना चाहिए, तभी तो हम लोग जान जाएंगे ना कि परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। तो आज हम लोग इसी चैप्टर को इस प्रकार आदमी हम लोग किसी चीज में निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, एक्सरसाइज में आते हैं। एक्सरसाइज कह रहा है परसेंटेज, एक्सरसाइज है परसेंटेज चैप्टर 10, ठीक है, चैप्टर 10। आज का डेट है 16/2/23। परसेंटेज, परसेंटेज। अब हम लोग ने अभी जाना कि परसेंटेज क्या है, हम लोग कैसे निकाल, अब ये जान ले। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट कुछ परसेंटेज को सॉल्व कर देते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन बोल दे कि कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इन अ परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट करने कह रहा है, तो कैसे करेंगे। चलिए आते हैं एक्सरसाइज 10A। 10A में आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। बोर्ड है 47 है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 आते हैं, कह रहा है 47/100, इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा। तो इसको बहुत क्या कर दीजिएगा, 47/100 × 100। इससे पहले हम लोग आपको ये एक बात बता दें कि हम लोग को किसी भी चीज को परसेंटेज निकालने के लिए वो अपने आप में 100 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो उसे 100 से ही परसेंटेज निकालते हैं। अब ये 100 से 100 को कट कर देंगे, इसका कितना परसेंटेज आ जाएगा, 47% आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है 9/20। 9/20 इसको भी क्या करेंगे, 9/20 × 100। मैंने बोला ना वो अपने आप में 100 के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये जीरो से ये जीरो काट देंगे और 2 × 5 = 10, मतलब कितना परसेंट आएगा, 9/5 = 45%, मतलब कि 9/20 का कितना आ जाएगा, 45%। चलिए नेक्स्ट आते हैं, 3/8 है, थर्ड नंबर में आते हैं 3/8। तो 3/8 इनटू क्या करेंगे, 100, हमेशा उसको 100 से काटेंगे, काट दीजिए, कितना हो जाएगा, ले जाना ये, सॉरी ये हो जाएगा 4 और ये 50, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 25। तो 25 × 75, मतलब 75/2। और इसको क्या करेंगे, अब डेसिमल में लिए, क्योंकि परसेंटेज है तो डेसिमल में ला सकते हैं।
तो काट देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 67.5% आ जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं 8 by 125। तो क्या करेंगे 8 by 125 into 100। अब इसको काट दो 25 चौक 100, 25 पचे 125, तो 8 चौक 32, 32 by 5 हो जाएगा 32 by 5। अब इसको भी काटेंगे तो 5 छक 30, 6.4%, ठीक है 6.4%, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट है 19 by 500। तो इसको भी क्या करेंगे बाबू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 19 by 500 into 100, तो इसको काट देंगे 0 से 0, 0 से 0, क्या आ गया 19 by 5। अब इसको डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40, मतलब 38%, ठीक है बहुत इजी है, आप आराम से इजीएस्ट वे में सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं 4 by 15, तो क्या कर देंगे 4 by 15 into 100 कर देंगे। अब इसको काट दीजिए 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, 20, तो 20 into 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 80 by 3, और इसको क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे 3 2 जा 6 और ये हो जाएगा 3 6 जा 18 और ये क्या हो जाएगा आपको 6 था तो 2 18 3 6 जा 18, फिर 2 हो गया तो फिर 3 मतलब 26.6%, ठीक है समझ में आ रहा है। तो परसेंटेज हम लोग बाबू डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो 26 by 2 by 3 भी लिख सकते हैं, तो दोनों तरीके से आप इसको कर सकते हैं। हम लोग इसको डेली लाइफ में यूज करते हैं एनी दिन, जैसे आप लोग बच्चे लोग हैं तो आप लोग का फाइनल एग्जाम ये जो भी आता है उसमें आप लोग परसेंटेज निकालते रहते हो, और देखिए आप लोग अभी देखते रहिए स्किप नहीं कीजिए, बहुत अभी मजा आएगा पढ़ने में। नेक्स्ट आते हैं 4 by 15 हो गया, नेक्स्ट है 2 by 3, 2 by 3 क्वेश्चन नंबर 7, 2 by 3, तो क्या करेंगे 2 by 3 into 100 कर देंगे, ठीक है इसको काट दीजिए तो कटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा बाबू तो 200 by 3 और इसको डिवाइड कर दीजिए 3 से तो 3 6 जा 18 और फिर 3 6 जा 18 और क्या हो जाएगा 66.2% परसेंटेज सबके लास्ट में लगाइएगा अगर छूट गया होगा तो। ओके नेक्स्ट आते हैं 1 whole 3 by 5 क्वेश्चन नंबर 8, 1 whole 3 by 5 में तो क्या इसको पहले मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 5 बन जा 5 और 3 8 by 5 अब इनटू 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है। अब आते हैं 5 2 जा 10 20 हो गया और इसको मल्टीप्लाई कर देगा, सिंपल परसेंटेज निकल गया 8 2 16 मतलब की 160, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, कह रहा है कन्वर्ट इज ऑफ द फ्लोइंग इनटू फ्रैक्शन, अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने बोल रहा है तो हम लोग कैसे करेंगे। तो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 32% को कैसे कन्वर्ट करेंगे 32% परसेंट का मतलब क्या होता है 100, तो हम लोग क्या लिख देंगे 32 by 100, ठीक है और इसको काटना होगा तो काट देंगे, ठीक है तो काट दीजिए 2 से ये क्या हो जाएगा 18 और ये 50 और ये क्या हो जाएगा 9 और ये क्या हो जाएगा 25, है ना तो आ गया क्या 8, ये कितना हो जाएगा 32 है ना सॉरी 16 होगा ना बाबू 16 और ये हो जाएगा 8 मतलब कि 8 by 25। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं 6 होल 1 by 4 है, 6 होल 1 by 4
इसको क्या करेंगे बाबू, मिक्स फ्रैक्शन है जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, सॉरी परसेंटेज का साइन छूट गया, तो क्या हो जाएगा 6 × 4 = 24, अब 125 by 4 और इंटू क्या करेंगे 100, इंटू 100 करेंगे ना, ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इसको काट देंगे 25 × 100, नीचे में ही करेंगे क्योंकि परसेंटेज हम का मतलब यहाँ पे नीचे में डालेंगे 100 और ये क्या हो जाएगा 4 × 16 मतलब कि 1/16 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं थर्ड नंबर 26 whole 2/3 26 whole 2/3 परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा 26 किया कितना हो जाएगा 78 में 2 जोड़ देंगे तो 80 by 3 और इनटू 100 यही होगा ना, ठीक है। अब इसको काट दो, ये 0 से ये 0 कट गया, 2 से काट दो 4 और ये हो गया 5 और ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 15 मतलब कि 4/15, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्या है 120% क्वेश्चन नंबर 4, 120% क्या कर देंगे बाबू 120/100 कर देंगे, ये 0 से ये 0 कट गया, क्या आ गया 12/10 काट दो 6 और ये हो गया 5 मतलब 6/5 चल। नेक्स्ट आते हैं 6.25% फाइव नंबर 6.25% क्या करेंगे 6.25/100 करेंगे ना परसेंट के लिए, अब देखो पॉइंट रिमूव कर दो बाबू, पॉइंट रिमूव कर दिए तो पॉइंट रिमूव करने के लिए आप लोगों को पता है पॉइंट के बदले हम लोग 1 डालते हैं, 1 डालेंगे और उसके बाद जितना डिजिट होता है उतना 0 डाल देते हैं, 2 0 डाल दिए काट दिए, देखो 25 कितना 625 और ये 25 × 100 होता है ना, और ये 25 × 25 और 25 × 100 तो कितना हो जाएगा 1/16 हो जाएगा, 1/16। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं क्या है 0.8% क्वेश्चन नंबर 6 0.8% तो क्या हो जाएगा 0.8/100 होगा बाबू, रिमूव करेंगे पॉइंट को तो क्या होगा इनटू 10 है ना, काट दो 2 से 4 और ये 5 है ना, अब कुछ कटेगा, हाँ कट जाएगा, ये 2 और ये 50 और ये 1 और ये 25 तब 25 × 125 मतलब 1/125 आगे आंसर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो इसी बात पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं 0.06% नेक्स्ट आते हैं 0.06% तो क्या हो जाएगा बाबू 0.06/100 पॉइंट को रिमूव करो तो भी 100 हो जाएगा, काट दो 3 और ये 50 क्या हो जाएगा 3/500 हो जाएगा, आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सॉरी 5000 हो जाएगा ना, एक जीरो छूट गया। नेक्स्ट आते हैं क्या है 22.75% क्वेश्चन नंबर 8 22.75%। चलिए अब इसको कीजिए क्या हो जाएगा 22.75/100 पॉइंट रिमूव करेंगे तो 100 काटो 5 से 520 पपचे 25 और क्या पपचे 25 एक मिनट 5 से इसको भागा दो दो 2275 को 520 पपचे 25 दो अब पपचे 25 मतलब 455 आइए 5 × 10 = 20 फिर 5 से दे दो भागा तो 1 × 45 अब 5 × 5 और ये 520 है ना, अभी क्या हो गया 51/400 51/400 आ रहा है आंसर किससे और छोटा आ रहा है 51/400। चलिए ठीक है के लिए इतना ही और आप लोग इसी तरह अपना प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
कमेंट कीजिए, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, इसका पूरा चैप्टर फिनिश करके आप लोग तक जरूर मिलेगा। और अब फाइनल एग्जाम में इसलिए थोड़ा थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि बच्चे लोग को प्रैक्टिस करवा दूँ, समझ में तो आ गया होगा आज का क्लास, मजा भी आया होगा। चलिए बाय बाय।